बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x² + 6x - 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर प्लस टेंस टू इन क्लोज इंटरवल -5 to ∞ पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई प्लस 6 - 1 होल बाई 3 है। बच्चों इसको हम हल करते हैं। ठीक इसके पहले के सवाल को जो हमने फलों के संयोजन का गुणधर्म का उपयोग करके हल किया था, ठीक ऐसे ही इसी मेथड से हम इसको भी सीखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लिख दूँ संयोजित फलन के उपयोग से। इसमें हम जो संयोजित फलन के उपयोग से इस विधि का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या दिया है, दो चीज़ दिया है एफ ऑफ एक्स 9x² + 6x - 5 और जो परिभाषित है आर प्लस टेंस टू -5 to ∞ में। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके जो सप्रांत है सप्रांत का कोई स्वेच्छावय लेते हैं, एफ के सप्रांत का कोई स्वेच्छावय लेते हैं। ठीक बच्चों तो लिख लेते हैं यहाँ पर, माना कि y बिलोंग्स टू -5 to ∞ यानि f का सहप्रांत, f का सहप्रांत सहप्रांत इसका कोई स्वेच्छावय लेते हैं। ठीक है एक स्वेच्छावय है ठीक है बच्चों, तब f ऑफ x इज इक्वल टू y लेते हैं। अब f ऑफ x क्या है बच्चों, 9x² + 6x - 5 इज इक्वल टू y। ठीक है बच्चों अब हम x का मान y के पदों में निकालते हैं, तो x का मान y के पदों में कैसे निकालेंगे, 9x² + 6x - 5 और इसका पक्षांतर करते हैं -y, तो इसको हम लिख सकते हैं -5 + y = 0। ठीक बच्चों और इसको हल करके हम x का मान निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू फार्मूला हमारा है -b + √b² - 4ac/2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। तो ये हम फार्मूला लगा देते हैं, ये फार्मूला है बिठा देते हैं यहाँ पर -b कितना बच्चों 6 और +√b² 6² कितना हो गया 36 -4ac 4 × 9 × c क्या है नेगेटिव है तो -(-) हो जाएगा और (5 + y) और अपन 2a मतलब 2 × 9 सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो ये हो गया आपका -6 + -, ये भी 9 × 36 हो गया, यहाँ भी 36 है, 36 कॉमन आएगा रूट के साथ बाहर आएगा तो √36 यानी 6 और क्या बच गया बच्चों, यहाँ 1 बचा 36 बाहर आ गया 5 + y बचा और अपन 9 × 2 = 18। फिर सरल करते हैं x = यहाँ से 6 फिर कॉमन आया और 6 × 18 इधर कैंसिल हो गया -1 + √(1 + 5) 6 + y अपान 6 × 18। अब बच्चों x क्या है, यहाँ पर दो मान आ रहा है एक प्लस और एक माइनस, माइनस वाले में टोटल x निगेटिव हो जाएगा जबकि x क्या दिख रहा है बच्चों पॉजिटिव दिख रहा है, तो हम केवल पॉजिटिव मान को लिखेंगे x = -1 + √(6 + y
अपान थ्री, और बच्चों रीजन भी लिख देंगे क्योंकि x बिलोंग्स टू, x मतलब इसका प्रांत, r प्लस इस प्रकार से, और x का मान हमको इस प्रकार से मिल गया है। ठीक है बच्चों, एक रिलेशन के रूप में इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब हम एक अन्य फलन की कल्पना करते हैं। देखो बच्चों, अब हम माना कि एक अन्य फलन g मान लेते हैं, और कैसा मान लेते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं, इसका सप्रांत को प्रांत बनाते हैं, माइनस फाइव टू इन्फिनिटी टेंस टू, प्रांत को सप्रांत बनाते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका अस्तित्व तो इस प्रकार मान लेते हैं, ये जो दिया x, इसको हम g ऑफ y मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, कि g ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट ऑफ सिक्स प्लस वाई अपॉन थ्री, ये मान लेते बच्चों, और जहाँ ये है ही, ठीक है, ये कंडीशन रखता है। तो अब हम फलनों के संयोजन का गुणधर्म का उपयोग करते हैं। अब हम निकालते हैं g और f ऑफ x, तो ये बना g ऑफ f ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो अब g ऑफ f ऑफ x, देखिए f ऑफ x कहाँ है, f ऑफ x ये दिया है बच्चों, तो g ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करें, g ऑफ दिस, g ऑफ दिस कहाँ है बच्चों, g ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, g ऑफ दिस यहाँ से परिभाषित है माइनस 1। ठीक है बच्चों, प्लस रूट ओवर जी ऑफ दिस इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट ओवर सिक्स प्लस दिस, सिक्स प्लस दिस, इसको नोट कर दें। अपान में क्या दिख रहा है बच्चों, थ्री। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस वन प्लस, तो ये आ गया नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन अपान थ्री इज इक्वल टू माइनस वन प्लस। बच्चों ये देखिए, ये जो है पूर्ण वर्ग है, किसका पूर्ण वर्ग है, आप गौर से देखें, अंडर रूट ऑफ थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री एक्स इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर, तो ये बन जाता है। ये ऐसा करने से ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा माइनस वन प्लस थ्री एक्स प्लस वन और बाई थ्री, प्लस वन माइनस वन चला गया, थ्री एक्स बाई थ्री मीन्स एक्स। तो ये अपने प्रांत में क्या दे रहे हैं बच्चों, ये अपने प्रांत में तत्समक फलन, देखो जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे रहा है। ठीक है, और एफ का प्रांत क्या है, एफ का प्रांत आप देख सकते हैं, एफ का प्रांत क्या है, एफ का प्रांत ये जो है तत्समक फलन दे रहा है अपने प्रांत में। ठीक, ऐसे ही एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालते हैं बच्चों, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को रखिए, यहां पर हम इसका प्रांत क्या है बच्चों, जी का प्रांत, जी का प्रांत इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा जी ऑफ वाई, तो जी ऑफ वाई माइनस वन प्लस रूट ओवर सिक्स प्लस वाई और बाई थ्री। अब एफ ऑफ दिस, इसको सिंप्लीफाई करें, एफ ऑफ दिस कहाँ से, एफ ऑफ दिस नाइन इंटू दिस का स्क्वायर, नाइन इंटू इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर माइनस वन
प्लस रूट ऑफ 6 प्लस वाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस 6x इंटू दिस माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस वाई बाई 3 माइनस 5। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 3 की स्क्वायर 9 होगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब केवल इसका होल स्क्वायर कर दो तो माइनस 1 की स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 6 प्लस वाई और माइनस 2ab माइनस 2ab 2a मतलब 1 और ये 6 प्लस वाई। अब इसको भी ओपन कर दीजिए, ये 3 दूनी 6 इसके साथ कैंसिल हुआ 2 आया तो ये आया माइनस 2 और प्लस ये 2 इंटू रूट ऑफ 6 प्लस वाई और माइनस 5। तो बच्चों इसको सरल करोगे तो ये कैंसिल हो गए, देखो एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है। और आपको देखने को मिल रहा 6 और 1 7, ये दोनों देखिए और इसको इसको देखिए तो ये 7 हो रहा है और ये माइनस 7 हो रहा है, तो क्या बचा बच्चों y। तो आपको देखने को मिल रहा है f o g ऑफ y इज इक्वल टू y, ये अपने प्रांत में g जो है अपने प्रांत में क्या है तत्समक फलन दे रहा है और इसका g का प्रांत क्या है ये है, इसमें तत्समक फलन दे रहा है क्योंकि f और g ऑफ y इज इक्वल टू y ये तत्समक फलन है। तो दोनों तत्समक फलन दे रहा है इसलिए f व्युत्क्रमणीय है। कारण में क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि f और g तत्समक फलन दे रहा है इसलिए f और g दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है और इसलिए g जो है f का व्युत्क्रम होगा, इसलिए f इनवर्स इज इक्वल टू g होगा और g आपको यहाँ पर माने हैं ये देयर एम्प्लॉयज f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ y। अब बच्चों g ऑफ y कहाँ है, g ऑफ y आपने सपोज किया था g ऑफ y ये है तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस वाई अपॉन 3। तो बच्चों देयर फोर f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू ये। अब आपको दो चीज पूछा था, f व्युत्क्रमणीय है तो आप व्युत्क्रमणीय के लिए क्या देख रहे हैं, दो चीज आपने प्रूव किया कि a प्रूव किया g ओ f ऑफ x इज इक्वल टू आपने x यानी ये अपने प्रांत में तत्समक दिया और f ओ g y ये क्या है बच्चों y ये भी अपने प्रांत में तत्समक दिया यानी g के प्रांत में, ठीक है। तो चूंकि f और g दोनों तत्समक फलन है अतः ये दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, अतः f व्युत्क्रमणीय पहला भाग सिद्ध हो गया। और दूसरा भाग के लिए यहां पर देखिए f इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस वाई बाई 3 जो यही है। तो बच्चों इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं, तो इसे नोट कीजिए।